दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने सरयू आरती में शिरकत की। कई संत उनके साथ मौजूद भी थे। आज केजरीवाल रामलला के दर्शन करेंगे, वो हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगे। आपके सांसद संजय सिंह भी उनके साथ हैं। तो अयोध्या की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सरयू आरती में शिरकत की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि उनके इस दौरे से कई संतों के बीच नाराजगी थी, लेकिन आज भी वो अयोध्या में ही होंगे और उनके साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मौजूद हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की। बीजेपी ने मानो ठान लिया है कि वो हर हाल में पूर्वांचल के जरिए फिर से यूपी में जीत की इबारत लिखेगी। तभी तो पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी ने पूर्वांचल के विकास के लिए सौगातों का पिटारा तो खोला ही, साथ ही यूपी के विकास का ताना बाना भी बताया। आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके भारत का वर्तमान यही है। तस्वीरें HD क्वालिटी यानी हाई डेफिनेशन नहीं, चिंता इस बात की नहीं। समस्या दूसरी HD यानी हेल्थ डिफिशियंसी की। जब मोटरसाइकिल पर पीछे खाट बांधकर महिला को इलाज के लिए लाना पड़े, तब दस्तक देकर सोचना जरूरी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर शून्य क्यों है। देखो भाई, सतवास हॉस्पिटल की हालत, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। ये देखो किस तरह ये भैया जो गाड़ी से खटिया बांध के लेके आए। शून्य इतना कि देवास के बाद रायसेन जिले के आदिवासी गांव की तस्वीरें देखिए। प्राण छूट जाए तो चार लोग ले जाते हैं। यहां जिंदगी के लिए भी चार कंधों की ही जरूरत पड़ती, क्योंकि एम्बुलेंस आ नहीं सकती। हेल्थ सेंटर दूर है, रास्ता खराब है, तरीका सिर्फ एक है, चार कंधे, कंधों के ऊपर खटिया और उसके ऊपर गर्भवती महिला। ऐसी तस्वीरों के बीच हकीकत देश की अब भी यही कि इलाज वक्त पर ना मिलने और सही से ना मिलने के कारण 26 लाख लोग हर वर्ष जान गंवा देते हैं। और दावा है कि सरकारी इलाज की पर्याप्त सुविधा ना मिलने से महंगे इलाज के भरोसे रहने पर हर वर्ष 8 करोड़ लोग भारत के गरीब हो जाते हैं। क्या ऐसी तस्वीरों से देश की जनता को राहत मिल सकती है? कैसे और कब का जवाब देखने उत्तर प्रदेश चलिए, जहां चुनाव होने वाले हैं, 4 महीने बचे हैं। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में 2 सभाएं करते हैं, एक सिद्धार्थ नगर में, दूसरी वाराणसी में। सिद्धार्थ नगर से 9 अलग अलग जिलों में 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया, ऐसा उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। वाराणसी से प्रधानमंत्री उस योजना का रिमोट दबाते हैं जिससे गांव के लोगों को इलाज के लिए राजधानियों के अस्पतालों की दौड़ ना लगानी पड़े। नाम है PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अच्छा इलाज चाहिए तो बड़े शहर जाना होगा, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना है तो बड़े शहर जाना होगा, रात बिरात किसी की तबीयत खराब हो गई तो गाड़ी का इंतजाम करो और लेकर भागो शहर की तरफ। हमारे गांव देहात की यही सच्चाई रही है। गांवों के कस्बों में जिला मुख्यालय तक में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुश्किल से ही मिलती थी। इस कष्ट को मैंने भी भोगा है, महसूस किया। देश की राजधानी एम्स के बाहर आपने कई वर्षों से देखा होगा तीमारदारों की उस भीड़ को, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों से, दूर दराज के इलाकों से आकर अपना इलाज दिल्ली के एम्स में कराते हैं। ये नौबत ही ना आए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की। तीन अहम चीजों को करने पर उन्होंने जोर दिया है। सबसे ज्यादा दूर दराज, गांव, देहात, ऐसे जगहों पे बीमार लोगों को, उनकी बीमारी को खोजने, टेस्ट सेंटर तक उन्हें ले जाने और फिर बीमारी के इलाज को छोटे शहरों तक लाने की उनकी ये योजना है। बड़े बड़े वेलनेस सेंटर, साथ साथ बड़े टेस्ट सेंटर्स और महामारी से लड़ने के लिए अलग से बड़े वायरोलॉजी सेंटर्स बनाने के भी उन्होंने ऐलान कर दिए। वो फिल्म के माध्यम से शुभारंभ करने की कृपा करें। PM ने जिस मिशन का रिमोट दबाया उससे क्या होगा, इसे आसान भाषा में समझते हैं। उदाहरण के लिए पहले देखिए अभी क्या होता आया है।
अभी किसी दूर गांव के मरीज को एक फुंसी फोड़ा भी हो जाए, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर नहीं तो पता नहीं चलता कि क्या है बीमारी। इलाज में देरी से वो छोटा सा घाव नासूर बनने लगता है। पीड़ित ग्रामीण फिर जिले के अस्पताल जाता है, वहाँ गंभीर हो चुकी बीमारी का इलाज करने की सुविधा नहीं मिलती। लाचार ग्रामीण फिर कर्ज लेकर इलाज कराने बड़े शहर के अस्पतालों के चक्कर काटता है। इलाज में देरी जान पर भारी पड़ती है और महंगे पड़े इलाज का बोझ परिवार पर भारी। अब देश में पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत उसी व्यक्ति को क्या फायदा हो सकता है? लाभ ये होगा कि 730 जिले में पब्लिक हेल्थ लैब और 4000 ब्लॉक स्तर जांच लैब बनेगी, जिससे रोगों की जांच का टेस्टिंग नेटवर्क गांवों तक मजबूत होगा। गांवों और शहरों में कुल 28,824 हेल्थ और वेलनेस सेंटर खुलेंगे, जहां नागरिकों की बीमारी की पहचान तुरंत की जा सकेगी। समय रहते पता चलेगा कि बीमारी गंभीर है तो तुरंत देश के 600 से अधिक जिलों में तैयार किए जाने वाले 35,000 से ज्यादा क्रिटिकल केयर बेड पर इलाज मिल पाएगा, यानी समय रहते स्वास्थ्य रक्षा होगी और महंगे इलाज से मुक्ति भी मिल सकती है। आजादी के बाद के लंबे कालखंड में आरोग्य पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी देश को जरूरत थी। देश में जिनकी लंबे समय तक सरकारें रही, उन्होंने देश के हेल्थ केयर सिस्टम के संपूर्ण विकास के बजाय उसे सुविधाओं से वंचित रखा। स्वास्थ्य विभाग का ढांचा इतना कमजोर है कि देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको हर मौसम में बदलाव के वक्त फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के दौर में ऐसी तस्वीरें दिखेंगी, जब कस्बों में लोग बिना डिग्रीधारी काम चलाऊ डॉक्टर्स के भरोसे पेड़ के नीचे गांवों की दुकानों में सलाइन टांगे मिलेंगे, जहां गारंटी नहीं होती सुरक्षित इलाज की। दावा है कि अगले 5 वर्ष में 64,000 करोड़ रुपए खर्च करके पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी योजना पूरी करके इलाज के नाम पर बीमार बनाने वाली कुव्यवस्था का अंत किया जाएगा। कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। साल था 2013। कोयला घोटाले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद वो तोता बन गई है जो अपने मालिक की बोली बोलती है। अब साल है 2021, जांच एजेंसी की साख फिर सवालों में है। बीजेपी सांसद ही कहते हैं कि ईडी उनके पीछे नहीं पड़ेगी क्योंकि उनकी पार्टी सत्ता में है। तो आपको जानना जरूरी है कि क्या बीजेपी में शामिल होना आम के आम गुठली। शरद पवार कहते हैं कि ईडी और सीबीआई इशारों पर काम करती है। ममता बनर्जी कहती हैं कि ईडी सीबीआई सिर्फ विरोधियों के पीछे पड़ती है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि ईडी सीबीआई सब सरकार की उंगलियों पर चलते हैं। अखिलेश यादव बोलते हैं कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाता है, ये सब विपक्षी दल है, संभव है कि आपको लगे इनके बयान पर कैसे भरोसा करें। अब महाराष्ट्र के सांगली से आया वीडियो देखिए, जिसमें बीजेपी के सांसद संजय पाटिल दिखते हैं एक मॉल के उद्घाटन समारोह में मौजूद है और चौड़े से हाथ में माइक लेकर सार्वजनिक तौर पर कहते सुनाई पड़ते हैं, ईडी हमारा कुछ नहीं करेगी क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी के सांसद है। नहीं वैभव दादा ईडी मागेलत नाही, खासदार आहे भाजपचा, मी भाजपचा खासदार आहे, त्यामुळे काही ईडीकडे एवढे जाणार नाही। इकडे ईडी आणि प्रवर्तन निदेशालय, एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी जिसके ऊपर भारत में भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है। ईडी यानी वो एजेंसी जो फर्जी तरीके से पैसों की हेरफेर, काले पैसे को सफेद करने वालों और विदेश से पैसों के लेन देन में खेल करने वालों की जांच करती है, उन्हें पकड़ती है। लेकिन ऐसी केंद्रीय जांच एजेंसी के बारे में बीजेपी के सांसद संजय पाटिल सार्वजनिक रूप से ये क्यों कहते हैं कि उन्हें डर नहीं, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के सांसद है। सांगली में हसी ठिठोली के साथ दिए गए इन बयान पर दावा है बाद में सांसद संजय पाटिल ने बाकी नेताओं की तरह
बयान तोड़ने मरोड़ने वाली दलील दे दी। यही दलील इसी महीने बीजेपी में आने के बाद हर्षवर्धन पाटिल भी दे चुके हैं इस बयान के बाद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप से तस्वीरें जो आई हैं वो आपको दिखाते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने थोड़ी देर पहले वहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। 3 दिन के कश्मीर के दौरे पर गए अमित शाह ने कल पुलवामा में सीआरपीएफ के कैंप में ही रात बिताई, जवानों के साथ खाना खाया। अमित शाह ने संकेतों के जरिए कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक को बड़ा मैसेज दिया है। और कल अमित शाह ने जिस मंच से वो लोगों को संबोधित कर रहे थे उस मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास को भी हटवाया, शील्ड को हटवाया और उन्होंने ये संदेश दिया कि मैं पाक से नहीं आपसे बात करूंगा। तो 3 दिन जम्मू कश्मीर में गृहमंत्री अमित शाह ने बिताए, वहां पर लोगों से मुलाकात की। कल रात जवानों के साथ उन्होंने मुलाकात की, उनका मनोबल बढ़ाया और साथ ही भारत पाकिस्तान सीमा पर आखिरी पोस्ट पर भी गृहमंत्री अमित शाह इस दौरे में पहुंचे थे और बीएसएफ के जवानों से उन्होंने बातचीत भी की थी। अमित शाह का 3 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा पूरा हो गया। 3रे दिन बुलेट प्रूफ ग्लास हटवाकर शाह ने कश्मीर के लोगों से सीधे बात की। इसके बाद रात को गृहमंत्री पुलवामा में सीआरपीएफ के कैंप में पहुंचे और जवानों के साथ खाना खाया। उन्होंने रात्रि विश्राम भी सीआरपीएफ के कैंप में किया। अमित शाह ने संकेतों के जरिए कश्मीर से लेकर पाकिस्तान को बड़ा मैसेज दिया है। अमित शाह का कामयाब मिशन कश्मीर। वीर जवानों के साथ जोशीली मुलाकात। बुलेट प्रूफ की दीवार गिराकर दिल वाली बात। मिट गई दूरियां कश्मीरियों के बीच। गृह मंत्री अमित शाह के मिशन कश्मीर के 3रे दिन की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं जिसमें देश के गृह मंत्री पुलवामा के लेथपोरा में वीर जवानों के साथ खाना खा रहे हैं। वही पुलवामा जहां 40 जवानों की शहादत हुई थी, यहां सीआरपीएफ के कैंप में अमित शाह रात को रुकने पहुंचे। संदेश साफ था कि पूरा देश और सरकार उन जवानों के साथ है जो कश्मीर में अमन कायम करने से लेकर देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कैंप में सैकड़ों जवानों के साथ बैठकर अमित शाह ने खाना खाया। गृह मंत्री अमित शाह जो कि इस वक्त हैं लेथपोरा पुलवामा में, वही जगह है जहां पे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उनके साथ हैं एलजी मनोज सिन्हा। सीधा यहां पे जवानों के साथ इस वक्त खाना खाते हुए आप देख सकते हैं कि क्या परोसा गया है। पौष्टिक खाना है, चाहे हम बात करें दाल की, पनीर की, आलू सब्जी पूरी भी है और साथ में आप देख सकते हैं कि चावल भी परोसे गए हैं। लेकिन अहम ये नहीं है कि क्या खाना मिल रहा है, पर अहम ये है कि कौन जवानों के साथ आज खाना खा रहा है। दूर से हमेशा सुनते आए हैं खास तौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप के किस तरह से आतंकी हमला हुआ है, पर आज जब ये खाना खा रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। खाने की टेबल पर जवानों के साथ कश्मीर और देश की सुरक्षा से जुड़ी तमाम दिग्गज शख्सियतें मौजूद थी। खुद गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और देश के गृह सचिव अजय भल्ला। अपने बीच गृह मंत्री को पाकर जवानों का जोश भी दोगुना हो गया था। सीधा जवानों से बात करते हैं, किस तरह से आपको लगता है कि हौसला अफजाई होती है जब इस तरह के शख्स आके खाना साथ में? बहुत अच्छा लगता है मैडम, बहुत ही मतलब हमारा हौसला और ज्यादा बढ़ता है ऐसे आने से मिलने से, हमसे हौसला बहुत ज्यादा बढ़ता है हमारा। आज क्या खास है? आज बहुत खास है, गृह मंत्री जी आए हैं, इससे बड़ा खास हमारे लिए कुछ है ही नहीं। कितनी हौसला अफजाई इससे? हौसला हमारे काम करने की ऊर्जा में बहुत बढ़ोतरी है मैडम। आज खास बनाने, खास मसाले डाले? खास नहीं, हमने दिल से बनाया है, मसाले तो वही रहते लेकिन दिल से बनाया है। पुलवामा से पहले सोमवार को दिन भर अमित शाह ने श्रीनगर में कश्मीरियों में
भरोसा जगाने वाले कई कदम उठाए। जब वो श्रीनगर में लोगों की सभा में पहुंचे तो सबसे पहले बुलेट प्रूफ शीशा हटवा दिया जो उनके लिए लगवाया गया था। संदेश साफ था, अब डरने नहीं, आगे बढ़ने का वक्त है। मैं विकास की बात बाद में करूंगा, मगर एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। और विकास यात्रा को खलल पहुंचाने वाले, उनका मकसद साफ नहीं, उनकी नीयत भी साफ नहीं है। और बेखौफ अंदाज दिखाते हुए शाह खुद जनसभा के बाद लोगों के बीच पहुंचे और उनसे बात की। गृह मंत्री अमित शाह यहां से स्टेज से उतरते हुए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं इस भीड़ के बीच में यहां पर फिरन पहने हुए यहां पर मुलाकात करते हुए कैमराज निकल आए हैं, लोगों सेल्फी लगाने की कोशिश में हैं। खास तौर पर संकेत साफ है, लोगों के साथ संवाद करना चाह रहे हैं। अगर शाह ने कश्मीरियों में भरोसा जगाया तो साजिशें रचने वाले पाकिस्तान और गाहे बगाहे पाकिस्तान राग गाने वाले कश्मीर के फारूख अब्दुल्ला जैसे नेताओं को भी दो टूक जवाब दे दिया। अच्छा, आप हमारे पड़ोसी मुल्क से बातचीत करके मामला हल नहीं करेंगे, अमन नहीं आएगा, कुछ भी कर नहीं कहा। दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी के साथ अगर हम दोस्ती में रहेंगे तो तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो दोनों की तरक्की पस्त हो जाएगी। वही हाल आज ये मंदिरों की भूमि है, माँ वैष्णो देवी की भूमि है, प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे, इस बात का विश्वास। आतंक के सरपरस्तों को शाह ने कड़ा संदेश दिया तो कश्मीर को विकास से जोड़ने का संकल्प भी दिखाया। अमित शाह ने कई परियोजनाओं की सौगात दी जो कश्मीर की सूरत बदल देगी। शाह के दौरे में कश्मीर और कश्मीरियों के लिए मजबूत सुरक्षा चक्र की चिंता थी तो धर्म संस्कृति के रंग भी शुमार थे। सुबह अमित शाह ने खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। कश्मीर के गांधरबल जिले में मौजूद माँ खीर भवानी का मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ से शाह ने सीधा संदेश दिया कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। और शाह के बेखौफ अंदाज से कश्मीरियों में सुरक्षा को लेकर भरोसा जगा तो जमाने बाद डल लेक पर ऐसा नजारा दिखा। शिकारा फेस्टिवल में कश्मीर की संस्कृति से लेकर संगीत के सुर लहरियों की ऐसी छटा बिखरी कि समा बंध गया। कश्मीर में दिलों की दूरियां मिटाने और कश्मीरियों के मन में सुरक्षा का भरोसा पैदा करने के लिए अमित शाह अपने मिशन कश्मीर को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश में हैं। देखना यह है कि इसके नतीजे कितने असरदार निकलते हैं। कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और बात करते हैं आर्यन खान मामले की। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज आर्यन खान की जमानत की अर्जी पर सुनवाई होगी। कोर्ट में 57वें नंबर पर है आर्यन खान का केस, तो आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जेल में बंद है। 26 अक्टूबर को यानी कि आज बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अब तक आर्यन की जमानत याचिका स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट और सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है और आर्यन के वकील लगातार कोशिश में है कि आर्यन को जल्द से जल्द जमानत मिल जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है।
तो क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज सुनवाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई होगी। सेशंस कोर्ट ने आर्यन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में है। मुंबई में मन्नत इंतजार कर रहा है। शाहरुख टकटकी लगाए हुए हैं। गौरी खान को बेटे का बेसब्री से इंतजार है। ड्रग्स केस में बेटा आर्यन जेल में है। मुंबई सेशन कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत बुधवार को खारिज कर दी थी। अब तो आज उम्मीदें बॉम्बे हाईकोर्ट पर आकर टिक गई हैं। हाईकोर्ट में जमानत याचिका को सूचीबद्ध भी कर लिया गया है। इसकी संख्या 57 रखी गई है, यानी ड्रग्स मामले में आर्यन की जमानत पर सुनवाई 57 नंबर पर होगी। आर्यन के वकील ने जमानत के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन एनसीबी नहीं चाहती कि ड्रग्स केस में आर्यन को बेल मिले, लिहाजा हाई कोर्ट में एनसीबी जमानत का फिर विरोध करेगी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने आर्यन को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो मुंबई के आर्थर जेल में बंद हैं। आर्यन के साथ उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट की जमानत पर भी आज सुनवाई है। हाईकोर्ट में अरबाज की जमानत याचिका का क्रमांक 64 पर सूचीबद्ध है। अरबाज के पिता असलम की माने तो दोनों बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। एंजाइटी है, एंजाइटी है, नींद नहीं आती है। इस माहौल में जिंदगी में कोई सोचा भी नहीं था, तो उसके हिसाब से मम्मी को भी मिला, मम्मी को भी मिलके बहुत रोया। रोने के हिसाब से थोड़ी पैदा हुआ है, ये चीज़ है, कानून भी ऐसा होना चाहिए जिसके हिसाब से सबके लिए फेयर होना चाहिए। बट एज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज सब जुडिस, मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, बट बहुत निराशजनक है। 3 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर हर गुजरते दिन शाहरुख खान के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं। आज 26 अक्टूबर का दिन उम्मीदों का दिन है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या शाहरुख की मन्नत आज पूरी होगी। मुस्तफा शेख, सौरव वक्तानिया, अरविंद ओझा और दिवेश सिंह के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।